देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, आपको बस हम आगाह करने आए हैं। मुसीबत? हाँ। अरे कैसी है मुसीबत? हसीना मलिक है ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा गेम प्लान करके बैठी है, हमको पता ही नहीं था। आपकी हवेली नहीं है उस पे कब्जा करने वाली है वो, और ये बात खुद उन्होंने हमको बताई है। हमको लगा नवाब साहब आपको बता दे आके बस ये बात। कब्जा? अरे करिश्मा जी, अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? अरे हम यहाँ के नवाब हैं, नवाब। अरे हमारी हवेली में ऐसे कैसे कौन कब्जा कर सकता है? वही वही हमने बोला, नवाब साहब की हवेली पे आप कब्जा करेंगे तो बोले हम SHO हैं। SHO की पहुंच तो आप जानती हैं, एक कॉल लगाया, समझिए आप बात को, उनको तो क्या जबरदस्ती करके कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? हाँ यार, ऐसा कैसे भाग जाता? अरे भाइयों, हसीना मैडम ना उस टाइगर को बचाना चाहती हैं, इसीलिए सब नाटक कर रही हैं। हम लोग चलते हैं, पूरी देखते हैं, चलते चलो भाइयों, चलो 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 चलो। अरे कैसे यार है, ऐसे कैसे भाग गया ये? निकालो 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 निकालो। तुम लोग अंदर जाके टाइगर को देखो, जाके जाओ जी। अरे किसकी हिम्मत हुई हमारा सामान बाहर पे को? अरे 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 किसकी जुर्रत है? सब सामान, अरे दरवाजा टूट गया। पुष्पा जी, अरे आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? कब्जा। जी नवाब साहब। कब्जा? हमने आपकी हवेली पर कब्जा कर लिया, इसलिए अब ये हवेली हमारी हुई। तो फिर हमारी हवेली में आपका सामान क्या कर रहा है? नवाब साहब, नवाब साहब, सच में वो बाग अंदर नहीं है। बाग को भगा दिया, हमारी हवेली पर भी कब्जा करना चाहती हो? मैडम, कुछ भी हो जाए, आप हमारी हवेली पे कब्जा नहीं कर सकती हैं। अच्छा है? देखा देखा, अरे भाइयों देखा है? अरे पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन ये पुलिस हमारी हवेली को कब्जा कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट, क्या नवाब साहब, आपके पास तो 50 हवेलियां हैं, एक हवेली को हमने हत्या लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वाह 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 है। अरे मैडम जी, अरे हमारे पास 100 हो 150 हो आपसे क्या मतलब? अरे हम किसी भी हवेली में रहे, लेकिन आप एक भी हवेली कब्जा नहीं कर सकती हैं। अरे हम नवाब हैं, नवाब, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम कंप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप कहाँ। क्यों भाइयों? नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए नवाब साहब, हम भी आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान हो या जानवर, अगर हम उसके घर में घुसेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। और नवाब साहब, आप इंसान हैं, आप तो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या? वो कहाँ जाएंगे? वो किस थाने में FIR लिखवाएंगे? आपने जिस बिल्डर को जंगल बेचा था, वो उस जंगल को उखाड़ कर वहां पर एक टाउनशिप खड़ी करने वाला है। और बात यहाँ सिर्फ जानवरों की नहीं है, बात है प्रकृति के संतुलन की। जिस तरह से हमें प्रकृति की जरूरत है अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक उसी तरह प्रकृति को जानवरों की जरूरत है। अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे, अगर हम उनका जंगल काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और आप आने वाली पीढ़ी को यही देना चाहते हैं नवाब साहब, आप यही सिखाना चाहते हैं उन्हें। हसीना जी, हमें अंदाजा हो गया है कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे, पर ये नवाब आपसे वादा करता है कि हम अपनी जमीन पर ना तो कोई बिल्डिंग बनने देंगे,
और ना ही कोई जंगल कटने देंगे। पुष्पा जी, जी हमारा सामान अंदर रखवा देना। जी जी हाँ रखवा देंगे। चलो भाइयों। अरे करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, हमने नवाब के खिलाफ जो एफआईआर लिखने को आपको कहा था उसका रजिस्टर ही हमें नहीं मिल रहा है। आपके पास है तो प्लीज दे दीजिए ताकि हम जल्दी से साइन करके ये केस क्लोज करें। नहीं लिखा हमने एफआईआर। क्यों? क्योंकि बुलबुल पांडे ने एफआईआर लिखना बंद कर दिया है ताकि वो बेस्ट थाना कॉम्पिटिशन जीत सके। तो हम काहे लिखें, हमें भी जीतना है। करिश्मा सिंह, बुलबुल पांडे कुछ भी करे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ये कॉम्पिटिशन जीते या ना जीते, लेकिन हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करेंगे। हम ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर फिर से आपने ऐसा कुछ किया तो हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। क्लियर? जी। कंप्लेंट लिखने आए हो? नहीं, स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ ओके 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 फाइन। हाँ तो अब रिपोर्ट लिख ले। जी चैन चोरी हो गई है। हमेशा पहन के रखते थे? ना ना मैडम, मैं तो कभी कभी पहनता था। मेरी बीवी इतना मना करो फिर भी चैन पहन के निकलती है। आपकी चैन? अपनी चैन मैडम, मार्केट गई थी वहां से किसी ने उसकी चैन छीन ली। तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखनी है, आपकी बीवी के खिलाफ या जिसने आपकी चैन चुराई उसके खिलाफ या जिसने आपकी बीवी की चैन चुराई उसके खिलाफ? मैडम जिसने मेरी बीवी की चैन छीनी उसके खिलाफ। क्या है मैडम, जब से चैन चुरी हुई है मैडम तब से मेरी बीवी ने बेचैन करके रखा है। अब क्या बताएं, हमारी बहू रानी भी ऐसी है। पुष्पा जी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतनी बड़ी लाइन, आपने क्या ऑफर दिए क्या, एक के ऊपर एक फ्री? बक चाय रखो, जाओ काम करने दो हमें। करो करो काम करो, बहुत ज्यादा काम है आज। हाँ तो बताइए किसके खिलाफ आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है? सोसाइटी के खिलाफ। क्यों? पानी का प्रॉब्लम मैडम जी। देखो मैडम, पानी का ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके यहाँ भी? हाँ। कौन से एरिया में रहती हैं आप? गौतम नगर के पास। मैं भी वहीं पे रहती हूँ, आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अच्छा कारपेंटर है क्या आपकी नजर में? मेरे घर पे दरवाजे से ना 3 महीने से कुचर कुचर की आवाज आ रही है, कारपेंटर ठीक नहीं कर पा रहा है, परेशान। संतोष जी, पर्सनल लेवल पर बाद में बतिया लीजिएगा, फिलहाल एफआईआर लिखिए ना प्लीज। ओ हाँ, अगर आपको वहाँ से फुर्सत मिल गई तो मेरी भी सुन लीजिए। देखिए जो मामला है ये मामला है गौतम नगर का। और आपकी बीवी की चैन कहाँ चोरी हो गई? गौतम नगर। गौतम नगर? जी भाई साहब, गौतम नगर हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, और कानूनन जिस क्षेत्र में अपराध हुआ हो ना उसी क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो ये जो गौतम नगर है ना वो जानकीपुरम एरिया में आता है, तो वहाँ के SHO है बुलबुल पांडे जी, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाइए। हाँ नहीं नहीं मैडम, पहले वहीं गए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहां जल्दी इंसाफ मिल जाएगा इसलिए यहां आ गए मैडम। मुझे भी यही कहा गया था। हाँ हाँ मुझे भी यही बोला था। पुष्पा जी हमने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा जी को बताना पड़ेगा। बताओ।
छोटी बड़ी सभी एफआईआर के लिए महिला पुलिस थाना जाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। चलिए मारिए, आगे बढ़िए, मारिए। अरे हंटर वाली 77, आप हमारे थाने में आए, हमारा सौभाग्य है। मनहूस, हमारा मतलब हम मनहूस सर, अगर उनके आने से हम दुखी होते हैं तो हम मनहूस ही है ना? ना मतलब हमेशा यूं बच्चन साहब की तरह एंट्री करने का कौन जरूरत है, कभी कभार 100 बार एंट्री भी कर लिया करो। है साहब, साहब हमको कंप्लेंट लिखवाना था साहब। कौन लिखेगा? अनपढ़ गवार, ये अंगूठा छाप। हमारा मतलब सर ये बताइए, अंगूठा छाप ही है ना? इतना बड़ा नोटिस आपने बाहर लटका रखा है, फिर भी अंदर आके पूछ रहा है कंप्लेन कौन लिखेगा? अरे भाई काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ कंप्लेन लिखवा के? महिला पुलिस थाने जाओ भैया, काहे कि वहाँ पे तुम्हारा समस्या का निवारण यूं यूं चुटकियों में हो जाएगा। एड्रेस मालूम है कि नहीं? वहाँ पे लिखा है देखो, तुम्हारा जैसे लोगों के लिए, पढ़ के निकल लो ना। मतलब करिश्मा जी, थैंक यू बोलने का कोनो जरूरत ना है, हम आप पे कोनो एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ का केस आपका महिला पुलिस थाने भेज कर, कहे कि हमको आपका महिला पुलिस थाने पे पूरा भरोसा है, आपका एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है। कहे आप लोगों का तो खासियत है ना ऐसा छोटा मोटा रेजगारी का केस सुलझाने का, है कि नहीं? समझ रहे हैं, हम बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना वो क्या चल रहा है बुलबुल पांडे जी। ये जो केसेस हमारे महिला पुलिस थाना में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है आधिकारिक रूप से कि हमारे यहाँ केस जो है उसका अंबार आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्राइम ग्राफ जो है वो इतना बढ़ गया है, और उसकी एक ही वजह हो सकती है हमारे महिला पुलिस थाना की निकम्मी पुलिस। हाँ नहीं, मतलब ऐसी पुलिस जो इस प्रतियोगिता में जीतना तो क्या भाग लेने के भी लायक नहीं है। इससे आपका रास्ते का जो कांटा है जो हम बने हुए हैं वो तो साफ हो गया ना, आपकी जीत तो पक्की हो गई, यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? अब हम बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है ना, ये इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में हम तुमको जीतने नहीं देंगे, समझ गए? और ये हमारा तुमसे वादा है, और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। जय हिंद। वाह, क्या शॉट मारा है मैडम ने। मायने खेल नहीं, खेल का नतीजा रखता है। लगा लेने दो जितना शॉट लगाना है, हम भी देखते हैं कि कैसे ही महिला पुलिस थाने वाले बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतते हैं। क्या? एक सेकंड, आप सबके कहने का मतलब है कि आज से हम इस थाने में केसेस लेना बंद कर दें? नहीं नहीं मैडम सर, केसेस लेना बंद नहीं करेंगे, केसेस का एफआईआर लिखना बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं हम। पॉइंट है ना पुष्पा जी? लेकिन बिना एफआईआर के अगर हम केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो तो अनऑफिशियल हो गया ना, और अगर हम खुद ही रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर हम आम आदमी के लिए एग्जांपल कैसे सेट करेंगे? ये भी पॉइंट है। क्यों पुष्पा जी? आम आदमी को इंसाफ से मतलब है। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सॉल्व किए जिनका हमने एफआईआर नहीं लिखा लेकिन इंसाफ मिला, किसी को नहीं पड़ी है। क्यों पुष्पा जी? हम सही कह रहे हैं ना। अब बात आ गई है हमारे थाने के स्वाभिमान की। हम इस कंपटीशन से सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाए क्योंकि भैया हमारा थाना चलता है मैडम सर का जंग लगा जज्बात और उनका आउटडेटेड आइडियोलॉजी की वजह से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। पुष्पा जी आप कुछ बोल का ही नहीं रही हैं, चुप क्यों खड़ी हैं? अब क्या है ना कि हमें ये कॉम्पिटिशन नगद पुरस्कार या किसी इनाम के लिए नहीं जीतना है मैडम सर, हमें ये कॉम्पिटिशन इसलिए जीतना ताकि हम ये साबित कर सके कि समाज को महिला पुलिस थाने का भी उतना ही जरूरत है जितना पुरुष थाना का है। हम सही कह रहे हैं? अब इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े हम कर देंगे। वैलिड पॉइंट। क्यों पुष्पा जी?
तजुर्बा कहता है हमारा, सच को साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया जाए तो सच भी झूठ ही बन जाता है, और ऐसा तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। सॉरी मैडम सर, लेकिन इस बार करिश्मा मैडम सही बोल रही हैं। जैसे को तैसा तो होना ही चाहिए ना। पुष्पा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बिल्कुल सही बोल रही हैं संतु जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैडम सर, अगर हक जानवर का मारा जाना ना, तो भी पलट के वार करता है, तो हम लोग अपना अधिकार ऐसे कैसे जाने दें? और पुष्पा जी, आप कहे चुप है, कुछ बोलिए ना। अरे बोलिए ना पुष्पा जी। अब कब से बस बोलिए ना किए जा रहे हो तुम तीनों, हमें कुछ बोलने का मौका भी तो दीजिए ना। मैडम सर, इस बार पहली बार हम करिश्मा जी जो कह रही है ना, उससे सहमत है। बुलबुल पांडे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए, इसी लायक होते ये लोग। और हम, I am below the spy, मैं आज करिश्मा मैडम के साथ हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप सब ऐसा कह रहे हैं। और एक मिनट, ये कोई सोसाइटी की मीटिंग नहीं चल रही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। ये एक पुलिस थाना है, यहाँ जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आने वाले हर आदमी की कंप्लेन ली जाएगी, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल FIR की जाएगी, और उसी के बिना पर सारे एक्शन लिए जाएंगे, और ये हमारा ऑर्डर है। क्लियर? क्लियर जी मैडम। गुड। यह क्या फायदा साथ देने का? अब क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं चलने देंगे मैडम सर का मनमानी इस बार। उनका ये जज्बात और आइडियोलॉजी की वजह से ना, हम अपने थाने का आत्मसम्मान का आहुति नहीं चढ़ने देंगे। ये कंपटीशन हम किसी भी हालत में जीतेंगे बस। लेकिन कैसे मैडम? कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में, बताते हैं तुमको। ऐसे ऐसे ऊपर देख के चलो। ऐसे काहे बिलोटो, ऐसे सर ऊपर उठा के काहे चल रहा है यहाँ पर? काहे मतलब देखो ना, छत एकदम कमजोर है, कभी भी सर पर गिर सकती है उखड़ कर। इससे अच्छा जगह नहीं मिला था तुमको? हाँ बिल्ला। मैडम आपने ही कहा था आपको सुनसान जगह चाहिए, तो ये वाइन शॉप मिल गई। लॉकडाउन लग गया, ओनर की लग गई, शॉप की लग गई, शॉप तब से बंद है, एक बोतल तक नहीं छोड़ी। मैडम लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भूतहा जगह पर हम लोग करेंगे का? तुम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुमने संतू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैडम आपके कहने पर ही पाप तो हम कर दिए हैं। मतलब बता दिया? नहीं मैडम, संतू जी को नहीं बताने का पाप मैडम नहीं बताया है संतू जी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम आप लोग ये सारा बात संतू से छुपा कहे रही हैं। कहे रही हैं मतलब क्या कहे रही हैं? तुमको नहीं पता है क्या संतू का आदत? पेट में मरोड़ा जाता उसका, जब तक सच का उल्टी नहीं कर देती तब तक उसका पेट का दर्द सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते उसका उल्टी की वजह से हमारा प्लान उल्टा हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। बताइए आपका प्लान क्या है, कुछ सोचा है आपने दिमाग में? अगर है तो बताइए। दिमाग? प्लान? हाँ प्लान। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? जी कहिए, क्या काम है? एसपी मिलेगा? ए, ऐसे कहते हैं, इज्जत से बात करो। एसपी सर मिलेंगे क्या, ऐसा पूछो। और वो यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, दूसरा ब्रांड भी चलेगा, शिक्षक है। शिक्षक? शिक्षक रखिए फोन, शिक्षक पूछ रहे हैं या फोन? अरे का शिक्षक, शिक्षक बोला ना बिल्ले ने, ये वाइन शॉप है तो दारू ही मांगेगा ना वो। अब सुनिए, प्लान सुनना ना सबको, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो इधर आइए, इधर। प्लान ये है कि हम यहाँ अपना पर्सनल थाना खोलने वाले हैं। हाँ मतलब कि केसेस आएंगे लेकिन FIR नहीं होगा। मैडम सर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस बात का, मतलब केसेस आएंगे, केसेस सॉल्व होंगे, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनऑफिशियल चीजें चलेंगी। समझ में आ गया सबको? क्या ये क्या क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल थाना खुलेगा, हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे और मैडम सर को पता नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम सर को पता चल गया तो? पता चल गया तो क्या हम सब लोग सलाखों के अंदर? और क्या, और मैं हमेशा के लिए सलाखों से बाहर, मेरी बिल्डिंग से मेरी छुट्टी।
हे भोलेनाथ, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमने इनका साथ देने के बारे में सोचा। हमको तो पहले से पता था आपके और हमारे सितारे ना कभी मिल नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार आपका साथ देने के बारे में सोचा और देखो हमारी नौकरी पर आ बनी। प्रतियोगिता भी आप सबको ही जीतना है, हमको अकेले को नहीं जीतना है, और अगर जीतना है तो ऐसे ही काम चलेगा। सवाल अब ये उठता है कि हमारा साथ कौन कौन देगा। मैडम हम तो आपके साथ हैं। मैडम हम नहीं बोल रहे, मैडम हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। बिलौटे के तकले है कसम, मैडम हम नहीं है कसम। मैडम चीते को मत बोलो कुछ भी, चीते ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं खुद यहाँ पर आई क्योंकि मुझे आप लोगों पर डाउट हो गया था कि मेरे बिना आप लोग खिचड़ी पका रहे हो, इसीलिए मैंने आपका फोन ट्रेस किया। हा? ना कि सिर्फ इस लोकेशन पे पहुंची बल्कि मैंने आपका प्लान भी सुन लिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो या तो आप प्लीज अपने प्लान में शामिल कर लो। मैडम मैं आपके बिना अकेले क्या ही करूंगी। आप शामिल नहीं करोगे घर पर जाऊंगी, आधा घंटा रोऊंगी। रोइए मत संतु जी, रोइए मत। अभी नहीं रो रही है, पाप आप ही को लगेगा मैडम। प्लीज शामिल कर लो ना। और रही बात पेट दर्द की, तो आई प्रॉमिस मैं कंट्रोल करूंगी। पक्का? हाँ मान गई मैडम सर, मान गई संतु जी, आप टीम में हैं। कब मान गई? कब? हाँ बोल। हाँ बोली बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैडम, आप टीम है। संतो जी प्लान में शामिल है, सब सब हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस थाने की कंप्लेन इस थाने में ट्रांसफर कैसे होगी? उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तैयार? बिल्कुल तैयार। किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है, क्या समझे? किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है। बहाने से चाय की दुकान पर लाना है, आगे से मैं संभाल लूंगा। दोनों बागड़ बिल्लो सुनो, किसी को भी मतलब किसी को भी, मैं तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। बैड मैन। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओवर एंड आउट। मिशन हल्ला बोल। मैडम आज छुट्टी, मैडम छुट्टी, आज छुट्टी, आज मैडम आप घर पे आराम कीजिए बस। क्या? अरे क्या बोल रहे दोनों, हटो साइड में जरा। छुट्टी आज छुट्टी, घर पे जाइए। बिल्लो। हाँ मैडम सर। क्या हो रहा है सब? वो एक्सरसाइज, ये साइज बढ़ गया ना इसीलिए। तन की शक्ति के लिए योगा करना बहुत जरूरी है इसलिए। जॉब में बिल्ले चाहने ही मना किया था ना। अरे अंकल के खाली पतीलू, मैडम सर को क्यों रोका? तो तूने ही बोला था ना किसी को, मतलब किसी को भी। अबे चपड़ के जो मैडम सर को रोकने लिए कलेजा लगता है। चलो कलेजा नहीं, दिमाग लगता है। मैंने क्या कहा था, अंदर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जो जाएगा उसको रोकना है, थाने वाले को नहीं। अरे समझ गए। हाँ। किसको रोकना है? जो जो रिपोर्ट लिखवाने जाए उनको रोकना है। ओके डन। फॉर एन आउट। गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरलाइज रखे हैं। अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। अंदर क्या? अंदर बिल्ले हो गए तसल्ली। हाँ अरे वो गोलगप्पे वाला देख, अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। हाँ बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अगर इसने एफआईआर कर दी तो बिल्लू द स्पाई करिश्मा मैडम तुझे कर देगी हमेशा के लिए बाय बाय।